हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको किताब में कम स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, यहाँ पर मैंने टिक लगाया है जो लिखा है पूरी बात अब तो पता नहीं, वहाँ से आपको पढ़ना है आगे की कहानी। कहानी कुछ इस तरह की थी कि कल हम लोग पढ़े कि एक हालदार साहब हैं जिनका नाम हालदार साहब बताया गया। हालदार साहब को कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन उनको उस कंपनी में जाना पड़ता था और उस जाने के लिए एक चौराहा पड़ता था। चौराहा एक कस्बे में था, जैसा कि मैंने बताया था। उस कस्बे से हर 15वें दिन हालदार साहब गुजरते थे और गुजरने के बाद वो देखते थे कि एक चौराहे पे वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगी हुई है और उसी संगमरमर के प्रतिमा पे नेताजी के विषय में यह कहानी पूरी बनी है। और उस प्रतिमा के विषय में नहीं बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के विषय में यह कहानी बनी है, जो कि है नेताजी के चश्मे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कहानी आगे से हम लोग पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने, हम कहानी पढ़ रहे हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहा पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के एकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कहने का मतलब यह है कि हालदार साहब जब उस चौराहे पे देखते हैं तो एक संगमरमर की मूर्ति है जो कि नेता सुभाष चंद्र बोस की है। संगमरमर की प्रतिमा नगर पालिका वालों ने लगवा दिया था। अब सोच रहे हैं कि नगर पालिका वालों ने अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण या अनुमानित लागत न होने के कारण बजट नहीं हुआ होगा, इसलिए बहुत अच्छा कलाकार न पकड़ करके गांव के ही किसी अच्छे ड्राइंग मास्टर, कोई हाई स्कूल पढ़ा लिखा, मान लीजिए कोई मोतीलाल ही होगा, वही जो है कहा होगा कि हम बना के मूर्ति दे देंगे साहब, तो वही बनाया होगा। ये हालदार साहब अपने मन में सोच रहे हैं मूर्ति, नेताजी की मूर्ति को देख कर के। लेकिन जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। कहने का मतलब यह है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक वह मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 फीट थी और उसको क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं। सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। कहने का मतलब यह कि जो मूर्ति वाला था उसने पूरी मूर्ति संगमरमर की बनाई थी, लेकिन नेताजी की आंखों पर वह संगमरमर का चश्मा नहीं लगा पाया था।
क्योंकि चश्मा पत्थर का वो कैसे बनाता, शायद इसके विषय में वो सोच रहा होगा। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कल आप लोगों को आगे से पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।